आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाईजाइम कैप्सूल के यूजेस के बारे में कि किन किन समस्याओं में बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, और जानेंगे इसके डोज के बारे में कि कितनी डोज में इस कैप्सूल को लिया जा सकता है, और जानेंगे इसके प्राइस रेट, साइड इफेक्ट और कंपोजिशन के बारे में भी जानेंगे कि किन किन इन्ग्रीडियंट से मिलकर बाईजाइम कैप्सूल को बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें बाईजाइम कैप्सूल के बारे में, तो फ्रेंड्स इस कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग स्काईमेप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स बात करें इस टेबलेट के मार्केटेड बाई की, तो फ्रेंड्स ये टेबलेट मार्केट में जर्मन रेमडीज फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आती है। और फ्रेंड्स बात करें बाईजाइम कैप्सूल के प्राइस रेट के बारे में, तो फ्रेंड्स बाईजाइम कैप्सूल की एक स्ट्रीम में 15 कैप्सूल निकलते हैं, जिसका प्राइस रेट मात्र 112 रुपये होता है। ये कैप्सूल आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़े आसानी से परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करें बाईजाइम कैप्सूल के कंपोजिशन के बारे में, तो फ्रेंड्स बाईजाइम कैप्सूल को बनाने में दो इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स पेप्सिन है और फंगल डाइजेस्ट है। इस कैप्सूल में फ्रेंड्स पेप्सिन की क्वांटिटी 12.50 mg होती है और फंगल डाइजेस्ट की क्वांटिटी 18.75 mg होती है। इन दो इंग्रेडिएंट्स के मिक्सर से फ्रेंड्स बाईजाइम कैप्सूल को बनाया जाता है। और फ्रेंड्स बात करें बाईजाइम कैप्सूल के यूजेज के बारे में, तो फ्रेंड्स बाईजाइम कैप्सूल का उपयोग डाइजेशन की प्रॉब्लम में किया जाता है। फ्रेंड्स यदि कोई पेशेंट है जिसकी पाचन क्रिया सही से वर्क नहीं करती है, या जब वो खाना खाता है और उसके खाने का सही से डाइजेशन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल करने से जल्द फ़ायदा मिलता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम में बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस कैप्सूल का इस्तेमाल यदि कोई पेशेंट है जिसके पेट में गैस बनती है या जलन होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस कैप्सूल का इस्तेमाल बदहजमी की प्रॉब्लम में भी किया जाता है, और फ्रेंड्स उलझन की समस्या में भी बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, और फ्रेंड्स कब्ज की प्रॉब्लम में भी बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। कब्ज की प्रॉब्लम में बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल करने से जल्द फ़ायदा मिलता है फ्रेंड्स। इन सभी समस्याओं में फ्रेंड्स बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स बात करें बाईजाइम कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स बाईजाइम कैप्सूल का सेवन करने से अगर ये कैप्सूल आपको सूट नहीं होता है, तो इससे आपको कुछ सामान्य से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स उल्टी होना, या सर में दर्द होना, या चक्कर आना, या पेट में दर्द होना, ये सब इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इसके अलावा भी बाईजाइम कैप्सूल के सेवन से कुछ और साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही बाईजाइम कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब फ्रेंड्स बात करते हैं बाईजाइम कैप्सूल की डोज के बारे में। फ्रेंड्स बाईजाइम कैप्सूल की डोज व्यक्ति के उम्र तथा बीमारी पर निर्भर करती है। आमतौर पर बाईजाइम कैप्सूल की डोज को एक एडल्ट पर्सन इस कैप्सूल को एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद ले सकता है। फ्रेंड्स डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।